हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अमित राणा फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट RVIT बिजनौर। ओल्ड सेमेस्टर बीटेक इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है बेसिक सिग्नल सिस्टम। ठीक है, तो आज से हम इसको डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 है। इसी तरीके से आगे लेक्चर आपके कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 1 का। ठीक है, तो इसमें यूनिट 1 क्या है, इंट्रोडक्शन टू कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स एंड सिस्टम। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम बेसिक सिग्नल के बारे में डिस्कस करेंगे कि सिग्नल क्या होता है, कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सिग्नल क्या होता है। अगर हम जनरली बात करें तो सिग्नल क्या होता है, सिग्नल इज बेसिकली इज एन इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच इज यूज टू कन्वे डाटा और इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मतलब क्या हुआ यहाँ पर, मान लिया ये कोई मोबाइल फोन है दो, और ये आपस में क्या करना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आपस में बात करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, सिग्नल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो वो क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक, ये हमारा क्या हो सकता है, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव, अगर हम मोबाइल फोन की बात करते हैं। ठीक है, जैसे पहले लैंडलाइन होते थे, लैंडलाइन में क्या होता था, कनेक्शन क्या होता था, वायर के थ्रू होता था, तो यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट। तो अभी क्या बताया कि सिग्नल क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है या फिर इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, जो कि किस लिए यूज होता है, टू कन्वे इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक, तो ये बेसिक डेफिनेशन है किसकी, सिग्नल की। ठीक है, अब बात करते हैं मैथमेटिकली। तो मैथमेटिकली सिग्नल क्या होता है, सिग्नल इज ए फंक्शन ऑफ वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, विच इज यूज टू कन्वे डाटा और इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक, तो फंक्शन क्या हुआ, मान लिया ये कोई सिग्नल, मान लिया हमने फंक्शन मान लिया xt इज इक्वल टू 2t प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर xt क्या है, ये फंक्शन है। ठीक, किसका, t का। ठीक, तो यहां पर t जो होगा वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या थी कि सिग्नल और ये क्या हो जाएगा, ये फंक्शन हो जाएगा हमारा xt। ठीक है, फंक्शन कह सकते हैं या फिर इसको ही क्या बोल देंगे, सिग्नल। ठीक है, तो सिग्नल की डेफिनेशन क्या बताती है, सिग्नल इज ए फंक्शन ऑफ वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और xt क्या हो जाएगा, यहां पर डिपेंडेंट हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, डिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि अगर हम t की वैल्यू में चेंज करेंगे तो क्या होगी, xt की वैल्यू चेंज होगी। इट मीन्स xt किस पर डिपेंड कर रहा है, t पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, t की वैल्यू चेंज करेंगे xt चेंज होगा। ठीक, तो xt डिपेंड कर रहा है t पर, इसलिए xt क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। और t किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा, जब तक कि t में चेंज नहीं करेंगे तब तक t हमारा चेंज नहीं होगा। इट मीन्स ये क्या है, हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो सिग्नल इज ए फंक्शन ऑफ वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लिया ये हो गया एफ ए बी, कोई भी हो सकता है, 2ab प्लस ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर ए, कुछ भी मान लिया ये कोई फंक्शन है। ठीक है, तो f किसका फंक्शन है, a और b का। ठीक है, तो यहां पर f ab क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और ये a और b कैसे होंगे हमारे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो ये भी एक फंक्शन है अपने आप में। तो इट मीन्स ये भी क्या है, एक सिग्नल है, और यहां xt भी क्या है, सिग्नल। ठीक है, अब देख लेते हैं सिग्नल के टाइप। सिग्नल हमारा टू टाइप्स का होता है बेसिकली। ठीक है, पहला होता है हमारा रैंडम सिग्नल, रैंडम सिग्नल, यह इसका दूसरा नाम है, और नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल, नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल। ठीक है,
दूसरा है डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल, डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रैंडम सिग्नल क्या होता है। तो रैंडम सिग्नल क्या होता है, सिग्नल विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड बाय मैथमेटिकली, इट मींस जिसका हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते हैं। मान लिया ये कोई सिग्नल है एक्स टी, ठीक है, मान लिया कोई भी एक सिग्नल है, ठीक, ये जीरो है, तो हम क्या है इसका मैथमेटिकली एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, ठीक है। इट मींस ये सिग्नल कैसा होगा, रैंडम सिग्नल और नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल, ठीक है। दूसरा क्या है, डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल, दूसरा क्या है, डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल, ठीक। तो ये क्या होगा कि जिसका मैथमेटिकली एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, इट मींस द सिग्नल विच कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय मैथमेटिकली, ठीक है। तो जैसे मान लिया ये कोई सिग्नल है एक्स टी, तो ये क्या है, साइन वेव है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, एक्स टी इज इक्वल टू साइन टी, ठीक है। दूसरा मान लिया ये आ जाए, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कॉस फंक्शन है ये, ठीक। इसको हम क्या लिखते हैं, एक्स टी इज इक्वल टू कॉस टी, ठीक है। तो ये सिग्नल है, इसको हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। इट मीन्स ये सिग्नल कैसे होंगे हमारे, डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल, ठीक है। अब देख लेते हैं कि डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल भी हमारे कितने टाइप के होते हैं, फोर टाइप के, ठीक है। डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल हमारे कितने टाइप के होते हैं, फोर टाइप के, ठीक। पहला है इसमें कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल। दूसरा है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। थर्ड है एनालॉग सिग्नल, ठीक है, और फोर्थ है डिजिटल सिग्नल, डिजिटल सिग्नल, ठीक है। तो इनको हम वन बाय वन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक। तो फोर टाइप के सिग्नल है हमारे, कंटिन्यूअस टाइम, डिस्क्रीट टाइम, एनालॉग और डिजिटल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।